एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब हमारा फेस्टिवल सीज़न शुरू होने जा रहा है और ये मैंने बहुत क्यूट सी डीआईवाई बनाए हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले मैंने लिया है एक ये वेस्ट कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड तो हमें इजीली अवेलेबल होता है घर में, और इसके ऊपर मैंने फ़िश के ये मोटिफ बना लिए हैं। और इसे आप कट कर लें, कट करने के बाद आप इसके ऊपर जैसो का एक बेस दें ताकि हमारी कलरिंग बहुत स्मूथ रहे और बहुत देर तक हमारे कलर्स टिके रहते हैं अगर हम बेस दे दें तो। इसलिए जैसो का बेस हमें पहले देना पड़ता है। अगर आपके पास इमल्शन या वाइट एक्रेलिक कलर का भी बेस दे सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैंने अल्ट्रा मरीन ब्लू लिया है और डबल कलर में हम फिश को पेंट करेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर मांडला आर्ट के साथ थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। और मैंने यहाँ पे अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर करने के बाद सेकंड फिश के ऊपर डार्क ग्रीन कलर का यूज़ किया है, और फेविक्रिल के ही कलर में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। फेविक्रिल के कलर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर फर्स्ट कोटिंग में आपकी कलरिंग अच्छी नहीं होती तो आप इसको डबल कोटिंग दे सकते हैं। और साथ में ही फेस पे मैंने ऑरेंज कलर किया है। ऑरेंज कलर के साथ ही हम इसकी आउटलाइन निकालेंगे और थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये स्टिकर्स, जो हमें मिरर लुक के स्टिकर्स हैं। ये इजीली अमेज़ॉन से मैंने लिए थे, बहुत इजीली आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। और ये स्टिकर्स हमारे, एक तो इसके साथ हमें फेविकोल का भी यूज़ करना नहीं पड़ता और बहुत इजीली स्टिक हो जाते हैं और बहुत लाइट वेट होते हैं। और पूरी लुक ये हमें मिरर की ही देंगे कि जैसे हम छोटे से मिरर्स यहाँ पे लगा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं मांडला के डॉटिंग टूल के साथ यहाँ पे कुछ डॉट्स बना रही हूँ मिरर के आसपास, और यहाँ पे आई के आसपास मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन दे रही हूँ। और हमें साथ में ही इसके फेस में भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देनी है, जिसके साथ हमारे फेस की लुक बहुत ही सुंदर आएगी और ये बहुत ब्यूटीफुल हमारा वॉल हैंगिंग बन जाएगा। और ये फेस्टिवल के सीज़न में वैसे भी लगाए हुए बहुत अच्छे लगते हैं और चमकते हैं। ये देखिए, मैंने 4 to 5 फिशेज और बना रखे हैं यहाँ पे, और सबको मैंने डिफरेंट कलर दिया है और डिज़ाइनिंग सबकी सेम है लेकिन कलरिंग सबकी यहाँ पे डिफरेंट है। सेकेंड डीआईवाई के लिए मैंने एक केक का बेस लिया है जो कार्डबोर्ड का है, और इसके ऊपर भी मैं जैसो का ही एक बेस दूंगी और जिसके साथ हमारी बेस की कवरिंग हो जाएगी। एंड सेकेंडली यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्पॉन्ज डैबर, और स्पॉन्ज डैबर के साथ मैं इसके ऊपर डैबिंग करके इसका एक और बेस कोट दूंगी जो कलरफुल लुक देगा। और साथ में ही ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का मैंने यूज़ किया है, और इसको ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर बनाएंगे एक ब्यूटीफुल से छोटे सी क्यूट सी माता रानी का मोटिफ, और इसको हम फेविक्रिल के कलर्स के साथ करेंगे और ये बहुत ही सुंदर बनने जा रहा है। और आप भी ऐसे क्यूट से डीआईवाई बना सकते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव एंड लकी फीलिंग हमें देंगे और पॉजिटिव फीलिंग देंगे। आप इनको ज़रूर बनाएं। आप मेरे पिछले वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, मैंने शिवरात्रि स्पेशल में भी एक बहुत क्यूट से महादेव जी का भी मोटिफ बनाया था, और उसके लिए भी मैंने केक का ही बेस यूज़ किया था। और हमारे पास घर में पड़े हुए ये ऑलरेडी, हमें कैनवस लेने की ज़रूरत नहीं है और ऑलरेडी हमारे पास ये कैनवस अवेलेबल होते हैं। बस इसकी कोटिंग देने के लिए ही हमें बस एक जैसो का या बेस कोट देना पड़ता है, अदरवाइज़ आप वाइट फेविक्रिल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, अब मैं कंप्लीट होने के बाद आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल माता रानी जी की इमेज। और साथ में ही आप इसके लिए, अगर आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड है, आप उसको भी सर्कल शेप में या स्क्वायर शेप में काट के आप इसको बना सकते हैं, और हमारा जो भी हमारे पास अवेलेबल सामान है घर में उसे हम यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, ये अब हमारी पेंटिंग बन के बिल्कुल रेडी है, और मैं आप गोल्डन कलर के साथ इसके ऊपर मांडला डॉटिंग दूंगी थोड़ी सी, जिससे हमारी इमेज और भी सुंदर लगेगी देखने में।
फ्रेंड्स, आपको दोनों में से कोई भी DIY पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड. Thank you.